पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बाद भी वोटिंग के दौरान हिंसा की घटनाएं चरण दर चरण बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अभी तक हर चरण में बंगाल से हिंसा की खबरें आई हैं। फिर चाहे वह कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो या फिर पोलिंग बूथ पर ही देसी बम से हमला किया जाना हो, बंगाल में हर चरण के दौरान हिंसा लगातार बढ़ती गई है, लेकिन हर बार वोटिंग का प्रतिशत भी ज्यादा रहा है। एक बात जो पक्की तौर पर कही जा सकती है वो ये है कि पश्चिम बंगाल इस बार के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र के मैदान में बदलता जा रहा है। दार्जिलिंग की लोकसभा सीट के तहत चोपड़ा में कुछ प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। चोपड़ा में ही टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में मैदान केंद्र क्रमांक 112 की ईवीएम भी तोड़ दी गई है। जलपाईगुड़ी से भी हिंसा की खबरें आई हैं। बांकुरा के बूथ संख्या 1 पर टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई थी। घाटल से भाजपा प्रत्याशी पूर्व आईपीएस अफसर भारती घोष के काफिले पर भी हमला किया गया। हमले के दौरान गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बंगाल के झारग्राम के गोपी बल्लभपुर में भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला है। पार्टी ने तृणमूल पर हत्या का आरोप लगाया है। उधर पूर्व मिदनापुर के भावनापुर में भी भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई है। चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा के जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी उमा शंकर को पद से हटाकर उनके स्थान पर 2008 बैच आईएएस अधिकारी मुक्ता आर्य को नियुक्त किया। रविवार को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने के बाद जिलाधिकारी एवं डीडीओ शंकर के खिलाफ शिकायतें की गई थी, जिसके चलते उनका तबादला किया गया। चुनाव आयोग ने मुक्ता आर्य को तत्काल कार्यभार संभालने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा, फायरिंग और धमाका तक होने की खबर आई है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। अभी पश्चिम बंगाल में 19 मई को 7वां चरण होना बाकी है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी है। अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो देश के लिए एक बड़ा खतरा का संकेत है। जल्द से जल्द इस पे कोई संज्ञान लेने की जरूरत है। स्वतंत्र भारत में गणतंत्र के जरिए लोकतंत्र की हत्या देश हित के लिए एक बड़ी मुसीबत की उपज है। अगर इसे समय रहते रोका ना गया तो इसकी जड़ें पूरे देश में फैल जाएंगी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।